हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपसे एडेनियम की इन सीडलिंग्स के बारे में बात करूंगी और आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। वीडियो के एंड में मैं आपको इसके कंपैरिजन में इसी की एज की सीडलिंग्स दिखाऊंगी जो अब अच्छे बड़े प्लांट बन गए, फ्लावरिंग पे आ गए। लेकिन चूंकि ये निगलेक्ट हो गया और चूंकि मेरे पास स्पेस भी बहुत कम है तो मुझे कम से कम पॉट रखने होते हैं अपने यहाँ कॉरिडोर में, तो वरना अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो घर से बाहर मुझे पॉट्स रखने पड़ते हैं और फिर वो उसकी केयर नहीं हो कर पाती हूँ मैं ना, तो इसलिए भी मैंने इसी में इसको लगा छोड़ दिया था। लेकिन ये बहुत, इसकी ग्रोथ बहुत मुतासर होती है इस तरह से कि आप छोटे से पॉट में ही आपने लगा छोड़ दिया है इसको, तो अगर ये टाइम पे रिपोर्टिंग हो जाती है प्लांट्स की तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाती है। तो अब इसको मैं पॉट से निकालती हूँ सीडलिंग्स को और चेक करते हैं कि इसकी रूट्स कैसे हैं। अब ये देखें, मैं इसको लूज़ कर रही हूँ इसकी सॉइल को, तो मुझे फील हो रहा है कि बहुत हार्ड हो रही है सॉइल, क्योंकि अंदर इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हुई हुई हैं, तो इसको बहुत आराम, इसको पूरे रूट बाउल को पूरा ही रूट बाउल सा एक बन गया है इसका। तो अब इसको निकालते हैं। ये देखिए, मैंने निकाला है इसको रूट बाउल को और अब इसको बहुत एहतियात से मुझे इसको सेपरेट करना पड़ेगा, वरना इसकी रूट्स अगर डैमेज हो जाएंगी तो प्लांट्स मेरे ये सीडलिंग्स जो हैं ये ख़राब हो सकती हैं। देखिए, ये ग्रोथ इसमें हो रही थी, नई ग्रोथ भी इसमें नज़र आ रही है मुझे। तो अगर मैं इसको अभी भी अगर इसको सेपरेट करके लगाऊंगी तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और फिर इसमें इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। जब मैं इसको अभी लगाऊंगी तो इसमें थोड़ा टाइम लेगा सेट होने के लिए, और उसके बाद बहुत अच्छे से ही अलग अलग कर लिया मैंने इसको, सीडलिंग्स को अलहदा कर लिया है मैंने ये। और देखें, चार जो सीडलिंग हैं इसकी, ये तो थोड़ी अच्छे सही ग्रोथ हो रही थी, लेकिन ये जो दो हैं ये बहुत ही छोटी छोटी सी रह गई हैं, और ये जो छोटी हैं इनको हमें उसके हिसाब से पॉट में लगाना पड़ेगा क्योंकि ये छोटी हैं, तो 3-3.5 इंच का जो पॉट है तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा इसके लिए, तो इसको मुझे छोटे ग्लास में लगाना पड़ेगा। और ये मैंने वॉश कर लिया क्योंकि सॉइल, गर्मी भी हो रही है तो चींटियाँ होती हैं इसमें सॉइल में, और मुझे नज़र भी आ रही थी, और सॉइल भी बहुत पुरानी हो चुकी थी क्योंकि जब मैंने सीडलिंग्स लगाई थी, शिफ्ट की थी, मैंने सीड्स लगाए थे फिर उसको शिफ्ट किया था, तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था सॉइल को ना, तो इसलिए मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब मुझे इसका पॉट सेलेक्शन करना पड़ेगा। जो बड़ी सीडलिंग्स हैं इसके लिए 3.5-3 इंच का जो पॉट है वो लूँगी मैं, और छोटे जो सीडलिंग्स हैं तो उसके लिए छोटे ग्लास, थर्मोपॉल के ग्लास लूँगी। थर्मोपॉल के ग्लास में मेरे पास तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, मतलब जो भी मैंने प्लांट थर्मोपॉल में लगाए हुए तो वो अच्छे से उसकी ग्रोथ हो रही है। अच्छा, ये सॉइल मैंने धूप में ही रखी रहती है, वैसे तो ये मेरे पास सॉइल मिक्सचर है, ये गार्डन सॉइल है इसमें, और काऊ डंक है इसमें, सैंड है, तो ये मेरे पास यहाँ रखा हुआ होता है क्योंकि मुझे अब सीडलिंग्स लगानी है या सीड्स मुझे लगाने होते हैं तो ये मेरे पास रेडी रहती है। तो ये सॉइल इसकी ले लेते हैं, और फिर ये हमने पॉट्स निकाल लिए इसके, ये पॉट को, ये जो बड़ी वाली सीडलिंग्स हैं ये बड़े पॉट में लगाऊंगी मैं, और छोटी वाली जो सीडलिंग्स हैं तो ये ग्लास के हिसाब से बिल्कुल, ये देखें ग्लास के हिसाब से बिल्कुल सही आ रही है, इसकी रूट्स नीचे तक है तो ये ग्लास में ही सही रहेगी। मैं इसको फिक्स करती हूँ और इसमें फिर अपनी सॉइल, इसको फिक्स करके सॉइल इसमें फिल करती हूँ। देखें, ये सॉइल हम अपने चारों बड़े पॉट्स में भी फिल कर रहे हैं, ये हमने सॉइल दोनों ग्लासेस में और अपने ये पॉट्स में फिल कर ली है। अब इसमें वाटरिंग का टाइम है, तो वाटरिंग मेरे पास ये जो सॉइल है इस वक्त ये बहुत मतलब
अच्छी सॉइल है, मतलब ड्रेनेज इसकी बहुत अच्छी होगी। और ड्रेनेज बहुत अच्छी होनी चाहिए एडेनियम में, क्योंकि अगर एडेनियम के पॉट में पानी रुक जाए तो वो फिर पता आपको पता भी नहीं चलता और आपका प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है फिर। तो ये देखें बहुत अच्छे से ड्रेनेज हो रही है इसमें, ड्रेनेज इसकी अच्छी है। मुझे लगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखिए फ़ौरन ही नीचे पानी पॉट से निकल गया। इसका मतलब है कि पूरी सॉइल आपकी वेट हो गई है, तो अच्छे से सॉइल में पानी आ गया है। अभी से दो तीन दिन हम इसे यहीं इधर शेड में ही रखेंगे, उसके बाद हम इसे सनलाइट में रखेंगे, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके कंपैरिजन में जो पहले मतलब तकरीबन एक साल पहले जो सीडलिंग्स थी, ये सीडलिंग्स इसी के साथ की है। मैंने सीड्स जब एक लगाए थे तो एक साथ लगाए थे, ये सीड मैंने टाइम पे अपने रिपोर्ट कर दिए थे बड़े प्लांट्स में, बड़े मतलब पॉट में लगा दिए थे। तो आप इसका रिज़ल्ट देख लें, ये फ्लावरिंग पर आ चुके हैं अब। तो हर प्लांट को रिपोर्टिंग की टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती है। एडेनियम में एक साल में आपको रिपोर्ट कर लेना चाहिए, मतलब बड़े जो इतने प्लांट्स हो गए हैं तो अभी एक साल में आपको उसको दोबारा रिपोर्ट करना चाहिए, इससे इसके साइज़ के हिसाब से थोड़े बड़े पॉट्स में ना। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।